नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के इस कवरेज में। आज हम बात करेंगे विन सिटी 10 लीग की, जहां मैच खेला जाएगा हाइकर्स और बोटानिकल गार्डन रेंजर्स के बीच रात को 10 बजे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैच टेबल में नंबर 2 और नंबर 3 टीम के साथ के बीच है। हाइकर्स कल ही सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स को हरा के एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं टेबल टॉप की पोजिशन की तरफ। एट द सेम टाइम बोटानिकल गार्डन रेंजर्स भी एक बड़ी बैलेंस साइड है और 6 में से 4 मैच जीत के 8 पॉइंट लेके नंबर 2 के स्थान पे है। अगर वो ये मैच जीतते हैं तो वो भी नंबर 2 के स्थान पे आ जाएंगे और फिर सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स को चैलेंज करेंगे टेबल टॉप के लिए। अभी तक इस टूर्नामेंट में 18 मैच खेले जा चुके हैं दोस्तों, जिसमें से 11 बार वो टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की है। बैटिंग फर्स्ट करके 95 प्लस का एवरेज रहा है अभी तक। शुरू में स्लो स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट, लेकिन ऑफ लेट बहुत बढ़िया 100 प्लस स्कोर्स हो रहे हैं हर मैच में ऑलमोस्ट। हाइकर्स की अगर बात करेंगे तो वो सारे मैच जीते हैं अभी तक, एक्सेप्ट फॉर एक लॉस जो उन्होंने सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के अगेंस्ट फेस की थी। अभी तक टूर्नामेंट में करीब 6 मैचों में 580 के आसपास रन कर चुके हैं और 23 विकेट्स लिए हैं। विकेट्स थोड़े कम ले पा रहे हैं हाइकर्स, लेकिन वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं रन्स के साथ। बोटानिकल गार्डन रेंजर्स की बात करें तो वो एक बार हाइकर्स और एक बार सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स से हार चुके हैं, बाकी सारी टीमों को उन्होंने हराया है। अभी तक 5-6 मैचों में करीब 500 रन कर चुके हैं और 24 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। जहाँ तक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात है दोस्तों, तो यहाँ पे चॉप एंड चेंज काफ़ी हो रहा है, तो अभी के लिए हमने यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड 11 दिखा दिया है आपको। लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की एक्चुअल डिटेल्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम आपको टॉस होते ही रेगुलरली प्लेइंग 11 अपडेट करते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए। की प्लेयर्स की जहाँ तक बात करेंगे तो कैसरिक विलियम्स हैज़ कम टू द पार्टी। उन्होंने वो करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते थे। मार्की प्लेयर पिक हुए थे, पिछले 2 मैचों में डेथ में बॉलिंग डाल रहे हैं, 2 मैचों में 4 विकेट चटका चुके हैं। नाउ ही लुक सेटल्ड इन द विंसी प्रीमियर लीग। सलिवन ब्राउन का तो क्या कहने, उन्होंने जो पारी खेली है पिछले मैच में बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी और डिसमेंटल कर दिया टेबल टॉपर सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स को विद एन अमेजिंग 68, जिससे कि उनकी टीम की जीत निश्चित हो गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स, स्निपेट्स और फैक्ट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो की प्लेयर्स को कवर करते करते हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी आपको जानकारी दे दें, तो हमारे हिसाब से इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स होंगे एस ब्राउन, सलिवन ब्राउन, एच शैलो, कैसरिक विलियम्स मेरे फेवरेट, डगलस और बोटानिकल गार्डन रेंजर्स का एक कोई भी ऑलराउंडर जैसे कि डेम्बर या इब्राहिम या फिर मलोनी को पिक कर सकते हैं आप एज अ बैट्समैन, जो कि उतने पॉइंट्स आपको शायद ना दे पाए जितना एक डेम्बर या इब्राहिम दे पाएगा। सैम्पल टीम्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो स्मॉल लीग जो हेड टू हेड है उसमें मैंने सलिवन ब्राउन को कैप्टन बनाया है। फॉर्म में है, मोमेंटम में होंगे 68 की बढ़िया पारी के बाद, तो उनको कैप्टन बनाना बनता है। कैसरिक विलियम्स को वाइस कैप्टन बनाया है। ग्रैंड लीग में अगर बात करेंगे तो डगलस इज ड्यू, लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप कर गई थी, 2 मैच में फेल हो चुके हैं, तो आई एम होपिंग ही विल स्कोर बिग इन द नेक्स्ट गेम। और शैलो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, लोग जनरली ब्राउन या फिर ऑलराउंडर्स की तरफ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि शैलो के साथ एक डिफरेंशियल वाइस कैप्टन पंट लिया जा सकता है। फाइनल टीम्स दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी, तो आपको टॉस के बाद वहाँ पर फाइनल टीम मिल जाएगी कौन सा ग्रैंड लीग और कौन सा स्मॉल लीग के लिए है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे आपको क्रिकेट और फुटबॉल के और बहुत वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।